शांति। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करना, भाग्य विधाता बाप ने हम सभी आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। जिस यज्ञ में सेवा करने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। भक्ति में विशेष शिवलिंग पर बेल के 3 पत्ते बहाते हैं, वो इसी की यादगार हैं कि संगम युग में जो कल्प वृक्ष के आत्माओं रूपी पत्ते तन मन धन से, या कहें मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करके बलिहार जाते हैं, उनकी यादगार में भक्त लोग अभी भी शिव पर बेल पत्र बहाते हैं। तो इतना जो भाग्य बनाने का हमें गोल्डन चांस मिला है, डायरेक्ट भगवान के महायज्ञ की सेवा करने का, ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। सेवा करने का चांस मिलना ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि हम देखते हैं देवताओं के जड़ मूर्तियों के मंदिरों में, इस संसार में जो लौकिक रूप से बड़ी हस्तियां होती हैं, वो भी वहां सेवा अपनी देते हैं और स्वयं को धन्य धन्य समझते हैं। तो इसलिए यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करना, अर्थात स्थूल सेवा जो हम कर्मणा के द्वारा करते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से पूरी लगन से और दिल से सेवा जो करते हैं, उनकी यादगार है दधीची ऋषि के रूप में। दधीची जो ऋषि थे, उन्होंने हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा की थी, वो हमारा गायन है। तो संगम युग पर जो प्रभु प्रेमी आत्माएं होते हैं, वो इस महायज्ञ में जिगर से दिल से सेवा करते हैं, और जो हड्डी हड्डी स्वाहा करते हैं, उन्हों को ये हड्डी मांस का जो शरीर है, उसके बजाय प्रकाश पुंज का शरीर, या कहें फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति स्वतः ही होती रहती है। तो यज्ञ सेवा स्थूल रीति से करने से बड़े भारी लाभ हमें होते रहते हैं। उसमें विशेष पहला लाभ है, हमारा देह अभिमान मिट जाता है। दूसरा है, अथकपन का जो वरदान है, अथक सेवाधारी भाव का जो वरदान है, वो वरदान हम सहज रीति से प्राप्त करते हैं। तीसरा, जितना हम स्थूल यज्ञ की सेवा करते हैं, उतना यज्ञ से तथा यज्ञ रचयिता बाप से हमारा जिगरी प्यार बढ़ता जाता है। चौथी बात है,
कि जितनी हम स्थूल सेवा करते हैं, यज्ञ में जिम्मेदारी निभाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो विशेष निमित्त बनी हुई जो आत्माएं हैं, वरिष्ठ दादियां, उनकी दिल की दुआएं हमें मिलती हैं, बाप के दिल की दुआएं हमें मिलती हैं, और साथ साथ जिम्मेदारी निभाने से भविष्य में हमें राजाई का ताज भी मिलता है। तो दिल से हमें ये दृढ़ संकल्प करना है कि जितना हो सके मुझे इस शरीर के द्वारा यज्ञ की सेवा करनी है, क्योंकि कई समझते हैं यज्ञ की जो स्थूल सेवा है उसके बजाय अगर मुझे थोड़ी सी रॉयल सेवा, ऑफिस की कहें या वाचा की सेवा कहें, मिलेगी तो अच्छा होगा, क्योंकि उनको अपने पढ़ाई का ध्यान रहता है। लेकिन दादियों से अगर हम पूछते हैं कि आप इतने महान कैसे बने हैं, तो जो भी हमारी दादियां हैं उन्होंने शुरू से इस यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा की है, हर प्रकार के स्थूल सेवाएं बाबा के यज्ञ में उन्होंने की है, और उसके आधार से ही बाबा का दिल उन्होंने जीत लिया है। हम देखते हैं जब दादियां बाबा से मिलती है तो मिलने का मजा कुछ और ही होता है। हमें देखने में मजा आता है तो उनको मिलने में कितना मजा आता होगा, लेकिन उन्हों को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिलने का आधार है इस बेहद महायज्ञ में उन्होंने हड्डी हड्डी स्वाहा की है। यज्ञ को अपना समझकर दिन रात जिगरी मेहनत की है। आप सोच सकते हैं किसी व्यक्ति को हम थोड़ा सा सहयोग देते हैं तो उसका दिल हम जीत लेते हैं, तो डायरेक्ट भगवान ने जो रचा हुआ महायज्ञ है उस यज्ञ में जो जी जान जिगर से अपनी सेवाएं देते हैं, वास्तव में वो भगवान का दिल जीत लेते हैं। तो ऐसी जो स्थूल सेवा है करते समय हमें विशेष ध्यान देना है कि हम निस्वार्थ सेवा करें, नाम मान शान की इच्छा न रखें। सेवा करने के बाद कोई मेरी महिमा करे, मुझे मान दे शान दे, ऐसा जो रॉयल स्वार्थ है उसकी आशा हम न रखें। जिसको भगवान से डायरेक्ट मान मिलता है सोमान के रूप में, उन्हों को आत्माओं से मान मिलने की इच्छा नहीं रहती है। इसलिए निस्वार्थ बनकर हम यज्ञ की सेवा में जुटे रहें। इसके साथ साथ जो हम सेवा यज्ञ की करते हैं उसमें जोश और होश का संतुलन रखें। कई बार हम उमंग और उल्लास में आकर, जोश में आकर सेवा में दिन रात लगे रहते हैं और लगातार लंबे समय तक सेवा करने से कभी बीमार भी पड़ सकते हैं, और बीमार पड़ने के बाद अगर निमित्त बनी हुई
आत्माएं हमें पूछती नहीं है, हमें मदद नहीं करती है, तो हमारा दिल शिकस्त हो जाता है और धीरे धीरे हम बाबा से दूर हटने लगते हैं। इसलिए जोश के साथ साथ होश का संतुलन रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि जितना उमंग हमें सेवा के लिए है, उतना उमंग हमें बाबा की याद करने के लिए भी हो, क्योंकि सेवा करते करते जो एनर्जी हम यूज करते हैं, तो दूसरी एनर्जी हमें साथ साथ योगाभ्यास के द्वारा मिलती रहे, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। वरना हम थकावट की महसूसता करने लगते हैं। तो डबल सेवा करने का अभ्यास बढ़ाते रहें। स्थूल जो सेवा हम करते हैं उसके साथ साथ बाबा की याद करने का भी अभ्यास करते रहें। कर्मणा के द्वारा सेवा करें और बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा बाबा को याद करें, तो ऑटोमेटिक हमारी डबल कमाई होती रहती है। मुझे याद है दादी जी से बाबा मिल रहे थे एक बार, बहुत पुरानी बात है, तो बाबा ने दादी जी से कहा था, जितनी आप अभी व्यस्त हैं आगे चलकर कई गुना व्यस्त होगी, तो व्यस्त होते हुए भी थकावट की महसूसता न होने के लिए बीच बीच में अशरीरीपन की स्थिति का इंजेक्शन देते रहो। जैसे खिलाड़ी खेल खेलते हैं तो बीच बीच में एनर्जी प्राप्त करने के लिए रिफ्रेशमेंट लेते हैं, तो ऐसे ही बीच बीच में स्थूल सेवा करते करते अगर हम देह से डिटैच हो जाते हैं, देह से न्यारे हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक एनर्जी की अनुभूति हमें होने लगती है। क्योंकि जब स्थूल देह हम समझते हैं तो आखिर भी ये मशीनरी है। देह समझने से थकावट होने की संभावना हो सकती है, लेकिन देह के बजाय अगर हम स्वयं को लाइट समझते हैं, आत्मा स्वरूप में या फरिश्ता स्वरूप में लाइट समझते हैं, तो लाइट कभी भी थकती नहीं है। बिल्कुल अथक बनकर हम सेवा में अच्छी तरह से आगे बढ़ते ही रहते हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले वरदान में कहा था कि सेवा करते समय जो बच्चे लाइट रहते हैं वो सेवा को मनोरंजन अनुभव करते हैं, सेवा को एंजॉय करते हैं। तो हल्के रहने से ऑटोमेटिक बाबा की याद भी रहती है और बाबा के साथ साथ का अनुभव करते हुए सेवा करते हैं तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए ड्यूटी जो हमारी होती है सेवा की, ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझे लेकिन ड्यूटी को डांस समझे। डांस कोई करता है तो उसमें थकता नहीं है, क्योंकि वो खुशी की अनुभूति करता है, देखने वालों की भी उसको दुआएं मिलती हैं, शुभ भावनाएं मिलती हैं, तो इसलिए वो लाइट
अनुभव करता है, मनोरंजन अनुभव करता है। तो ऐसे हम सेवा क्षेत्र में हमेशा लाइट रहने का अभ्यास करें। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है, यज्ञ की सेवा की जो जिम्मेदारी हमें मिलती है, उस जिम्मेदारी का जो बोझ है वो ब्रह्मा बाबा के कंधे पर रख दें और हम एकदम हल्के फुल्के अनुभव करें, नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे की तरह एकदम हल्के अनुभव करें। तो जो बोझ जिम्मेदारी का न होने से हम बाबा की याद भी सहज रीति से कर सकते हैं। तो सेवा करते करते हल्केपन की महसूसता करना ये एक कला है, चाहे तो उसको हम हासिल कर सकते हैं। हम ऐसे कोई व्यक्ति देखते हैं जो बहुत सेवा करते हैं लेकिन वो हल्के रहते हैं, थकावट के चिन्ह उसके चेहरे पर नहीं दिखाई देते हैं, और उसके भेंट में दूसरे व्यक्ति को देखते हैं बहुत थोड़ी सेवा करता है लेकिन वो बहुत जल्दी भी थक जाता है और थकावट के चिन्ह उसके चेहरे पर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि उसने बहुत दुनिया भर की सेवा की है, हालांकि उसने बहुत थोड़ी सेवा की है। तो बहुत अच्छी तरह से सेवा करने के बाद भी अगर हम हल्के रहना चाहते हैं तो इस कला को हम हासिल कर सकते हैं। इतना ही है उसका राज कि हम स्वयं को निमित्त समझें। बाबा करण करावनहार है, मेरे द्वारा सेवा करवा रहे हैं, इस भावना से हम सेवा करें। और सेवा क्षेत्र में एक बात का हम ध्यान जरूर रखें कि निर्विघ्न सेवा मुझे करते रहना है। उसके लिए तीन सेवक हमारे पास सदा हाजिर रहें। कौन से? धैर्य, शांति और स्नेह, रूपी तीन साथी अगर हमारे साथ में रहते हैं तो हम निर्विघ्न रहते हैं। कोई भी विघ्न सेवा क्षेत्र में नहीं आता है, और जहां विघ्न आता है वहां टकराव हो जाता है और वहां स्थिति का बिखराव हो जाता है, शक्तियों का बिखराव हो जाता है। और सेवा करने के लिए जो उमंग हमारे मन में होता है वो भी कम होने लगता है। इसलिए धैर्य, शांति और स्नेह के साथ हम सेवा क्षेत्र में उतरे। उसके साथ साथ जब हम यज्ञ की स्थूल सेवा करते हैं तो उस समय हमें ध्यान में रखना है कि मुझे ट्रिपल सेवा करनी है। मुझे याद है 77 में हम बाबा से मिल रहे थे मधुबन में, उस समय मैं किचन में सेवा करता था, तो किचन वाला ग्रुप जो है बाबा से मिल रहा था। तो बाबा ने कहा कि अभी समय बहुत थोड़ा है इसलिए एक साथ ट्रिपल सेवा करने का अभ्यास करो। कैसे करेंगे? कर्मणा के द्वारा हम सेवा कर रहे हैं, साथ साथ हम मनसा के द्वारा भी योगाभ्यास का अभ्यास कर सकते हैं, तीसरा जो है वाचा के द्वारा ज्ञान सुनाने की सेवा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी ज्ञानी हैं, ज्ञान किसको सुनाएंगे। तो
तो बाबा ने कहा अपने श्रृंगार किए हुए चेहरे से, दिव्य गुणों के श्रृंगार किए हुए चेहरे से आत्माओं को गुणों का दान करते रहने की सेवा साथ साथ करते रहना है। कि ज्ञानियों को हम ज्ञान नहीं दे सकते हैं, लेकिन साथ साथ रहकर गुणों का दान जरूर दे सकते हैं। हमारे चेहरे से किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा या किसी न किसी प्रकार के सकारात्मक भाव जरूर हम दे सकते हैं। इसलिए सेवा क्षेत्र में रहते हुए यह हमें ध्यान देना है कि ट्रिपल सेवा हम करते रहें। कई कहते हैं कि हमें चांस अगर मिले तो मैं सेवा करूं, लेकिन चांस मिलता नहीं है, चांस लिया जाता है। मुझे याद है मधुबन में, या जब मैं यज्ञ में आया तो बार बार मुरली में एक महावाक्य सुनता था कि आगे चलकर बाबा के भंडारे में ऐसे योगी बच्चे आएंगे जो योग युक्त भोजन और प्रसाद बनाकर अनेक आत्माओं को खिलाएंगे, तो ये सेवा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। ये महावाक्य जब मैं सुनता था तो मैं सोचता था कि आगे चलकर बच्चे आएंगे, कहां से आएंगे, कोई आसमान से उतरेंगे क्या? वो तो बच्चे हमारे में से ही होंगे, तो मैं उसके लायक बच्चा हूं, मुझे वैसा बनना है। ऐसा दृढ़ संकल्प मैंने किया और भोजन बनाने की सेवा में मैं लगा, तो मुझे उससे बहुत कुछ प्राप्तियां होने लगी। लेकिन बीच बीच में मुझे थोड़ा सा देह का भान आता था कि मैं पढ़ा लिखा होकर ये स्थूल सेवा कर रहा हूं, भोजन बनाने की सेवा तो कोई भी कर सकता है, विशेष बाहर जो दुनिया में हम देखते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं वही भोजन बनाते हैं, अब यहां मैं ये स्थूल सेवा कर रहा हूं। तो उन्हीं दिनों में मैंने बाबा से पर्सनल मिल रहा था 77 में। बाबा ने मुझे पूछा कि अपनी सेवा से संतुष्ट हो? मैंने कहा बाबा नहीं, मुझे लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद ये मैं स्थूल सेवा करता हूं, इससे तो अच्छा कोई अच्छी सेवा मैं करूं। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे मधुबन में विशेष दो बातों के लिए आते हैं, वो दो बातें उनको बाहर नहीं मिलती हैं, उनको मधुबन में ही वो मिलती हैं। कौन सी दो बातें? एक तो परमात्म मिलन, ये मधुबन में ही हो सकता है डायरेक्ट, और दूसरा महायज्ञ का योग युक्त बनाया हुआ भोजन मधुबन में ही मिलता है। तो जो भी बाबा के बच्चे मधुबन में आते हैं उनको योग युक्त भोजन बनाया हुआ मिलता है, और उनकी स्थिति में जो बढ़ोतरी होती है, जो प्रोग्रेस होता है, उसमें से कुछ एक हिस्सा आपके अर्थात भोजन बनाने वालों के खाते में जमा होता है। तो मैं जब ये बात मैंने बाबा के मुख से सुनी, मेरे दिल को वो बात लग गई, तो उससे मेरा
किचन से इतना लगा हो गया, मैं हमेशा नशे में रहता था कि इतनी आत्माओं में से, करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने अपना भोग बनाने के लिए या भोजन बनाने के लिए सिलेक्ट किया, कितनी न मैं खुश नसीब आत्मा हूं। भोजन बनाने के लिए जो स्थिति की आवश्यकता है उसमें अगर कमी पेशी होती है तो वो बाबा की जिम्मेदारी है उसको भरने के लिए। तो ऑटोमेटिक योगी भाव का कहें या पवित्रता भाव का कहें, वरदान मुझे बाबा से स्वतः ही मिल गया। तो कहने का भाव ये है कि चांस लिया जाता है, चांस मिलने के लिए हम इंतजार नहीं करें, और जब हम चांस लेते हैं तो बाबा हमारे में वो विशेषता स्वतः ही भर देता है। ये हमने देखा है यज्ञ में। तो एक बात याद रखें, सेवा करना अर्थात मेवा खाना। अगर हमारे सामने सेवा आती है, यज्ञ की सेवा करने का चांस आता है, उसको हम नहीं लेते हैं तो समझो हम अपने भाग्य को ठुकराते हैं। इसलिए उस चांस का पूरा फायदा हमें लेना है। और विशेष हम ये ध्यान दें, एक स्लोगन याद रखें कि जो आराम पसंद होते हैं वो निराकारी राम पसंद नहीं बनते हैं, आराम पसंद बनने वाले राम पसंद नहीं बनते हैं। इसलिए मुझे संगम युग में आराम पसंद नहीं बनना है। सुस्ती रूपी जो छठा विकार है उसको जीवन रूपी शब्द कोश से हमेशा के लिए हटाना है, क्योंकि उस सुस्ती से कई चांसेस मेरे यज्ञ के सेवा के छूट सकते हैं। इसलिए चुस्त और मस्त होकर जितने जास्ती से जास्ती चांस मुझे मिलते रहेंगे, पूरी तैयारी के साथ दिन रात मेहनत करके बीसों नाखून का जोर लगा के हमें वो सेवा करनी है। तो ऐसा दृढ़ संकल्प हमारा जब होता है तो भाग्य जितना चाहे हम लूट सकते हैं और जितना चाहे लुटा सकते हैं। तो संगम युग में सुस्ती को हम आने नहीं दें। तो जैसे जैसे हम वाचा के द्वारा, कर्मणा के द्वारा सेवा करते हैं, उतनी उतनी हमारी दुआओं का खाता बढ़ते लगता है। दादियां हमारी जब बोलती हैं, उनका बोल हमारे दिल को छूता है, दिल को लगता है। क्यों, क्या बात है, इतना वाणी में उनके बल कैसे उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये विधि है, जितना हम कर्मणा के द्वारा सेवा करते हैं उससे जो हमें दुआएं मिलती है उसके बाद हमारी वाणी में बल आता है, हमारे बोल में शक्ति आती है। और जितना हम वाचा के द्वारा, वाणी के द्वारा ज्ञान रतन दान करते हैं, अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर हमारी मनसा शक्तिशाली बनती है, जिससे हम अनेक आत्माओं की एक ही साथ सेवा करने की क्षमता प्राप्त करते हैं।
कर्मणा के द्वारा हजारों की सेवा कर सकते हैं, वाणी के द्वारा लाखों की सेवा कर सकते हैं और मनसा के द्वारा करोड़ों की सेवा कर सकते हैं। अर्थात दिन प्रतिदिन हम सेवा करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं इस विधि के आधार से। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? यज्ञ की स्थूल सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करने से शुरुआत हुई। तो यज्ञ में अपना समझकर हम दिल से यज्ञ सेवा को प्रसाद समझकर करते रहें और अपनाते रहें। हड्डी हड्डी सेवा में वाचा के द्वारा सेवा करना भी सम्मिलित है। जितना हम वाणी के द्वारा ज्ञान रतन अनेक आत्माओं को बांटते रहते हैं उतना भविष्य के लिए ज्ञान धन के बजाय स्थूल धन से हम मालामाल हो जाते हैं। हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है मम्मा का। मम्मा ने वाणी के द्वारा अथाह ज्ञान रत्नों का दान किया, अनेकों के जीवन में परिवर्तन लाया, अनेकों को आगे बढ़ाया। उसके आधार से मम्मा जो है धन की देवी, सारे संसार को धन देने वाली धन की देवी लक्ष्मी बन गई। ज्ञान धन वाणी के द्वारा बांटते बांटते इतना श्रेष्ठ पद प्राप्त किया। तो जो हमें अलंकार बाबा ने शंख का दिया है, शंख के अलंकार को हमें धारण करना है। ब्राह्मण जीवन में शंख के अलंकार को धारण करना है, अर्थात मुख के द्वारा शंख बजाते रहना है और कुंभकर्णों को जगाते रहना है। क्योंकि हमारे द्वारा कब कैसे बोल निकलेंगे और कब किस आत्मा का भाग्य खुल जाएगा ये हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो हमारे वाणी के द्वारा बाबा ऐसे कुछ आश्चर्यजनक बोल बुलाते हैं जो अनेक आत्माओं को राहत देने के लायक होते हैं। इसलिए वाणी की सेवा में हमें कुछ भी मार्जिन नहीं रखना है। कई समझते हैं इस व्यक्ति को मैंने चार बार बाबा का संदेश दिया, सुना तो उसने नहीं है लेकिन और भी वो मेरे पर टीका कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। इसलिए वाणी के द्वारा सेवा करने का जो उमंग होता है वो हमारा कम हो जाता है। देखो बाबा हमारा चतुर सुजान है, हम उसके चतुर बच्चे हैं। तो जैसे सपेरा बहुत सुंदर बीन बजाता है, बीन बजाते बजाते उसकी मधुर ध्वनि जब जहरीले सांप को सुनाई देती है तो सांप नाचता नाचता सपेरे के तरफ आता है और वो सपेरा उसके गर्दन पकड़ लेता है और उसके जहरीले दांत निकाल देता है एक के बाद एक सारे, और फिर कहता है चलो भाई मैंने तुमको बुलाया, अभी घर घर मेरे साथ चलो और जो भी तुम्हारी कमाई होगी दूध की या जो भी पैसे की उससे मेरा पेट भरेगा। तो बाबा मुरली मधुर सुनाते सुनाते हमें अपने तरफ खींच लेता है, आकर्षित करता है और हमें अपना बनाता है, पकड़ लेता है। फिर हमारे जो जहरीले दांत हैं, काम
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार निकालता है और फिर कहते हैं, बेटा अभी चलो घर घर जाओ, अभी मेरा संदेश दो, ऐसी के लिए मैंने तुझे अपना बनाया है। तुम शांति से नहीं बैठ सकते हो, मैंने तुझे अपना इसीलिए बनाया है, जाके घर घर जाके मेरा संदेश दो। तो देखो बाबा हमारा कितना कल्याणकारी है, हमारे कल्याण के लिए और अन्य आत्माओं के कल्याण के लिए हमें ये वाचा के द्वारा सेवा करने का चांस देते हैं। तो जैसे जैसे हम वाणी के द्वारा सेवा करते हैं, आप सोचो एक दर्श सामने लाइए, आपके ब्राह्मण जीवन में आपने किसी आत्मा को ज्ञान दिया होगा और वो बाबा का बच्चा बना होगा, बाबा का हाथ उसने पकड़ा हुआ होगा, उसके मन में आपके प्रति कितनी दिल की शुक्रिया निकलती है कि देखो मुझे इस आत्मा ने भगवान से मिलाया, वाणी के द्वारा ज्ञान देकर इसने मुझे भगवान से मिलाया। तो जितना हम इसका लाभ लेते जाएंगे, अनेकों को बाबा के पास लाते जाएंगे, अनेकों की सेवा करते जाएंगे, तो ये जो दुआएं हैं ना, ये ही हमारा असली इनकम है। संगम युग है दुआओं को जमा करने की सीजन। जैसे आम की सीजन होती है ना, अंगूर की सीजन होती है, ऐसे संगम युग है दुआओं को जमा करने की सीजन। जितनी चाहे हम दुआएं जमा कर सकते हैं और जितनी दुआएं जमा करेंगे वही आत्मा के साथ साथ सारे कल्प में चलती हैं और उसके आधार पर ही हमें श्रेष्ठ और उज्जवल भविष्य प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए दुआओं का जो स्टॉक है, आई वेला में इमरजेंसी के समय आपको कोई भी मदद नहीं करेगा, सिर्फ दुआओं का जो खजाना है वही आपके पास में मददगार के रूप में होगा। तो इसलिए दिल ऐसा कहता है कि क्यों न मैं 200 नाखून का जोर लगाकर मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते करते दुआओं का स्टॉक जमा करूं। मेरे जीवन में मुझे दो ही बातें दिखाई दे, एक सेवा और दूसरा सेवा। सेवा और सेवा, ये दो ही बातें मुझे नजर आए, तीसरी बात मुझे दिखाई न दे, ऐसे हम उसमें मस्त हो जाए कि बस बाबा और सेवा, बाबा और सेवा, यही मुझे दिखाई दे, यही मेरे जीवन के दो पहलू हैं, उसके आधार से ही मुझे आगे बढ़ना है। कि बाबा ने संगम युग में हमें सेवा का खिलौना दिया है खेलने के लिए। कौन सा खिलौना दिया है? सेवा के खिलौने से खेलते खेलते संपूर्णता के मंजिल पर आपको पहुंचना है। तो इस खिलौने से खेलते रहना है, लेकिन खेलते खेलते हमें बाबा की याद भी बढ़ानी है और साथ साथ संपन्न बनकर खजानों से संपूर्णता की ओर अग्रसर होना है। तो इसलिए वाणी के द्वारा खूब अच्छी तरह से सेवा करें। मैं तो देखता हूँ दादी जी को बार बार ये उमंग रहता है कि जाओ चारों तरफ धूम मचाओ, शिवरात्रि पर बाबा का संदेश दो। जैसे हमारे में दादी बल भरती है, उमंग उल्लास भरती है, किस लिए? हमारे कल्याण के लिए, बाबा की सेवा
आगे बढ़ाने के लिए, बाबा की प्रत्यक्षता को समीप लाने के लिए, इसलिए वाणी के द्वारा सेवा करते करते हमें मनसा को शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि मनसा से सेवा अगर हमें करनी है तो हमारी मनसा शक्तिशाली होना जरूरी है। शक्तिशाली मनसा से शक्तिशाली संकल्प रूपी इंजेक्शन के द्वारा कमजोर मन की आत्मा को हम शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हमारी मनसा शक्तिशाली होना जरूरी है। और उसी में विशेष बाबा ने तीन बातें हमें बताई मनसा सेवा सफलता पूर्वक करने के लिए। मन में सदा शुभ भावना हो, रहम दिल की भावना हो और दातापन की भावना हो। ये तीनों बातें हमारे मनसा में हमेशा रहें तो ऑटोमेटिक अनेक आत्माओं पर जो दुखी आत्माएं हैं, परेशान आत्माएं हैं, उन्हों पर रहम भी हमें आती होगी, आती रहेगी। तो जब हमें ये संकल्प होता है कि मुझे अनेकों को कुछ न कुछ दान करना है तो उसके लिए मेरे पास खजाने भी जमा होने जरूरी हैं। बाबा ने हमें इस वर्ष के लिए एक स्लोगन दिया है, पूरे वर्ष के लिए हमें धारणा में लाना है। कौन सा स्लोगन है वो? सबसे पहले स्लोगन दिया है संतुष्ट रहो और संतुष्ट। क्यों ये स्लोगन दिया है बाबा ने हमें? संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ये है संपूर्णता की निशानी। सदा संतुष्ट अगर मुझे रहना है तो मेरे पास संपन्नता होने की जरूरी है। सर्व खजानों से मैं जब संपन्न रहूंगा तभी मैं संतुष्ट रहूंगा। और दूसरों को जितना मैं खजाने देता रहूंगा, दान करता रहूंगा, उतने औरों को भी संतुष्ट करने की क्षमता मेरी बढ़ती जाएगी। इसलिए इनडायरेक्टली बाबा का इशारा यही है कि सेवा के साथ साथ खजानों की संपन्नता, खजानों की समृद्धि हमारे पास बढ़ती रहे। तो शुभ भावना, रहम दिल के साथ शुभ भावना भी हमारे मन में रहना जरूरी है। सबके प्रति शुभ भावना हमारे मन में रहे ये महान आत्मा की निशानी है। जितना जो बड़ा व्यक्ति होता है उतना उसका दिल बड़ा होता है, उतनी उसके मन में बड़ी शुभ भावनाएं होती है। सब आगे बढ़ते रहें, सबका भोला होता रहें, ये बड़े दिल वाले आत्मा की निशानी है। तो देखो बाबा ने हमें इतना अच्छा चांस दिया है सेवा का, क्योंकि बच्चे जितने चाहे खजाने मेरे से लेते रहो, लाइट माइट लेते रहो और जितनी आत्माओं को देना चाहे देते रहो, लुटाते रहो। बिन कौड़ी खर्चा हमें बाबा राजाओं का राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस सेवा के द्वारा दातापन का जो संस्कार है हमारा पक्का होता जाता है। और जो राजा ई का संस्कार है, सहयोग करना या मदद करना, सबको सुखी रखना, ये ऑटोमेटिक संस्कार, ये गुण हमारे में स्वतः ही धारण हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि मनसा के द्वारा सेवा करने के लिए
हमेशा तत्पर रहना है, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। वाचा कर्मणा के लिए कुछ हदें हैं, कुछ नियम हैं, लेकिन मनसा के द्वारा कोई हदें नहीं है। सारे विश्व की आत्माओं को आप शांति शक्ति का दान दे सकते हैं। एक बात का इशारा बाबा ने हमें इस सीजन में दिया है। कौन सा इशारा खास दिया है? कि आपको दर्शनीय मूरत बनना है। क्या राज है इसके पीछे? हर एक बच्चे को दर्शनीय मूरत बनना है, इसके पीछे क्या राज है? क्या बाबा चाहते हैं? जो निराकार बाप गुप्त है, उनकी शक्तियां भी गुप्त है, वो निराकार बाप की जो प्रत्यक्षता है, ऐसे दर्शनीय मूरत बच्चों के द्वारा ही इस संसार में होगी। इसलिए जितना जितना मेरे बच्चे दर्शनीय मूरत बनते जाएंगे, उनकी सूरत से ऑटोमेटिक बाप की सीरत नजर आएगी, तो स्वतः ही आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार होगा। लेकिन दर्शनीय मूरत बनने के लिए विशेष हम ध्यान कुछ बात पर दें। कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो मन में होता है वो चेहरे पर स्पष्ट होता है। जब दिल में हमारे दिलाराम बाप बसा हुआ है, बाबा ने परसों मुरली में कहा कि जब बाबा याद करते हो तो बाबा हाजिर हो जाता है, बाबा की शक्तियां भी आपके साथ हाजिर हो जाती हैं। तब जब दिल में बाबा बसा हुआ है, दिल में उसकी याद समाई हुई है, तो ऑटोमेटिक उसके गुण जो है हमारे चेहरे द्वारा रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। तो उसके लिए दर्शनीय मूरत बनने के लिए मैं और बाबा सदा कंबाइन हूं, इस अभ्यास को हम बढ़ाते चलें, तो ऑटोमेटिक दर्शनीय मूरत की जो स्थिति है हमारी बनती जाएगी। लेकिन ऐसे दर्शनीय मूरत बनने के लिए हमें क्या करना होगा? सेवा क्षेत्र में रहते हुए, यज्ञ की हड्डी हड्डी सेवा करते हुए दर्शनीय मूरत बनना अगर है तो हमें क्या करना होगा? तो तब बात आती है परिवर्तन, परी जैसा वर्तन, फरिश्ते जैसा वर्तन, फरिश्ते जैसा व्यवहार हमारा होना जरूरी है। क्योंकि हम सेवा में व्यस्त हैं, लेकिन सेवा में व्यस्त होते होते जिस क्वालिटी का योगाभ्यास हमारा चाहिए, शक्तिशाली, जिसमें योग की अग्नि प्रज्वलित हो, जिसमें आत्मा में जो खाद है वो भस्म हो जाए और आत्मा में खासा परिवर्तन नजर आए, उसके लिए आवश्यकता है किसकी? ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की। जब धरती से ज्वालामुखी निकलती है तो उसके सान्निध्य में जो भी चीज आती है उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, मिट जाता है, इतनी वो प्रखर होती है ज्वालामुखी। तो ऐसे ही अमृत वेले या शाम के समय हम ज्वाला स्वरूप का योग का अभ्यास करते हैं तो आत्मा में जो भी अंश है विकारों के, निगेटिविटी के, वो धीरे धीरे हमारे भस्म होते जाएंगे और आत्मा में परिवर्तन आता जाएगा। योग तो हम करते हैं, लेकिन योग की क्वालिटी को और क्वांटिटी को हमें बढ़ाना है।
क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है, दिन प्रतिदिन शक्तिशाली योग्याभ्यास हमारा हो, और जितना लंबा समय तक उसका हो वो और भी अच्छा। लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप की स्थिति अनुभूति अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए चार बातों की आवश्यकता है। सेवा सारे दिन भर में हमें करना है, वो तो हमारा धर्म है, ब्राह्मण जीवन का हमारा ये धर्म है सेवा करना। लेकिन उसके साथ साथ सवेरे या शाम के योगाभ्यास में ऐसी शक्तिशाली प्रखर योगाभ्यास की स्थिति भी हमें अनुभव करनी है। तो सबसे पहली बात है आत्मिक स्थिति जो हम अनुभव करते हैं वो शक्तिशाली स्थिति हो। केवल मैं आत्मा हूं इतना ही पर्याप्त नहीं, लेकिन मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा से प्रस्फुटित हो रही है। ऐसी शक्तिशाली और गहराई की आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते रहना जरूरी है। दिन प्रतिदिन उसकी गहराई बढ़ाते चले। दूसरी बात है जिसको इंग्लिश में कहते हैं फायरी फॉर्म ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, एकदम शक्तिशाली। दूसरी बात है फायरी फॉर्म ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, अर्थात परमात्मा का जो स्वरूप है वो बहुत शक्तिशाली रूप में हमें देखना है और अनुभव भी करना है। अर्जुन को जब साक्षात्कार हो रहा था तो उसने कहा कि भगवान आपका स्वरूप तो हजारों सूर्य से तेजों में है, बस 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 बस, इससे जास्ती मैं आपका स्वरूप सहन नहीं कर सकता हूं। सोचने की बात है क्या परमात्मा का स्वरूप इतना प्रखर है, इतना तेजों में है जो हम उसको देख भी नहीं सके, उससे मिल भी ना सके, उससे बात भी ना कर सके? ऐसा नहीं। लेकिन बाबा कहकर हमने भगवान को साधारण समझा, भगवान इतनी बड़ी सर्वोच्च सत्ता है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो उनको उसी रूप में हमें अनुभव करना है। इतना वो ज्ञान सूर्य प्रखर है, उनकी शक्तियों की किरणें तीनों लोगों में निरंतर प्रस्फुटित होती ही रहती है। ऐसा प्रखर ज्ञान सूर्य का स्वरूप हमें देखना है और उसके साथ योगाभ्यास करते रहना है। तीसरी बात है ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति के लिए परमात्मा के प्रति असीम प्यार हमारे मन में हो। और चौथी बात है ईश्वरीय नशे में हमारी मन और बुद्धि भरपूर हो। ओम शांति।